हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई वीडियो पसंद आ रहा है या रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत फेमस रेसिपी है। ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बहुत सारे अदर स्टेट में भी ये बहुत फेमस है। ये है गुजिया। छत्तीसगढ़ में भी ये बहुत तरीके से बनाया जाता है, चार पांच टाइप के, जिसमें से एक तरीका मैं आज बताऊंगी। ये हम लोग खोए के साथ बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है मैदा। ये मैंने करीब लिया है 300 ग्राम के आसपास। इसको अच्छे से मैंने छान के रखा हुआ है। इसके लिए मैंने खोया लिया है 250 ग्राम। इसमें मैंने दो पेड़े जो है वो ऐड करके रखा हुआ है, ये मीठा खोया है। इसमें साथ में थोड़े से चाहिए हमको ड्राई फ्रूट्स। ये आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप छोटे छोटे पीसेस में काट के रख सकते हैं। और मोयन के लिए मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून जो है घी और 1 टेबल स्पून ऑयल। और साथ में मैंने लिया है शुगर का पाउडर, ये करीब 2 टेबल स्पून है। और थोड़े से इसमें हमको लेने हैं इलायची के पाउडर। ये इंग्रेडिएंट जो है वो स्टफिंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोयन जो है, मोयन के लिए जो हम लोगों ने घी और तेल रखा है वो आप जो है गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें लम्स पड़ते हैं वो टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको ठंडा ही ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें हम लोग जो है एक स्पून जो है शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपको जो है स्टफिंग का आउटर पार्ट जो है मीठा नहीं चाहिए तो शुगर जो है ऑप्शनल है। अब इसमें मोयन हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पहले अच्छे से इसके ऊपर मैदा जो है ऐड करके इसको हाथों के ही हेल्प से इसको करते जाना है, ये मोयन जो है मिक्स करते जाना है। ये मोयन जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसको हम लोग गुनना शुरू करेंगे। इसके लिए हमको कप में थोड़ा थोड़ा पानी ही लेके, ये आटा हमको गीला नहीं गुनना है, ये टाइट ही रखना है। इसका डो जो है बिल्कुल रेडी हो गया है आउटर सेक्शन के लिए। इसको देख लीजिए आप, इतना टाइट रखना है हमको ताकि अच्छे से प्रॉपर बेलते बने। गीला बिल्कुल नहीं करना है वरना ये चकले पे चिपकेगा और जो अपना सांचा है उस पे चिपकेगा। और इसे हमको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, तब तक हम लोग स्टफिंग इसका जो है वो रेडी कर लेते हैं। पैन जो है मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इस पे हम लोग जो है गरम हो गया तो सारे ड्राई फ्रूट जो है इसको रोस्ट कर लेंगे। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर सकते हैं हाफ टी स्पून जो है घी डाल के। ये ड्राई फ्रूट्स हमारा जो है रोस्ट हो गया है। ध्यान रखिए आप ये तो लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही करना, अदरवाइज ये जलने के चांसेस रहेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई या शेलो फ्राई कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग जो है मोया जो है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट और ये जो है मोया जो है वो ऐड कर लेंगे। खोया और ड्राई फ्रूट जो है वो पूरे मिक्स हो गए हैं। इसको अभी इसमें हम लोग इलायची पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे नीचे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। ये अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पे हम लोग इस पे जो शुगर पाउडर है वो ऐड करेंगे। ये ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसमें हम लोगों ने जो शुगर पाउडर रखा था अब वो सारे ऐड कर लेंगे। मेरा जो स्टफिंग है बहुत कम मीठा है तो इसमें मैं ये पूरा ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसको हम लोग दूसरे बाउल से जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। अब ये जो है हम लोग जो डो बना के रखे हैं उससे हम लोग लोई बना लें। लोई आप जो है अपना जो सांचा रखे हैं, जैसे मेरा ये थोड़ा बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको कम ज्यादा करना है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा बड़ा जो है लोई की उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको अच्छे से पेड़ा जैसे रोल कर लेना है। अब चकले पे इसको रख लेना है और इसको बेल लेना है। ये सब तरफ हमको जो है बिल्कुल बराबर बेलना है, कहीं से मोटा पतला नहीं रखना है। और इसको थोड़ा जो है ऐसा पूड़ी से भी कम थिन रखना है ये, ताकि जब हम सांचे पे डाले ये तो पूरा एरिया जो है इसका कवर कर ले। इसे ऐसे हमको डाल लेना है, देखिए पूरा एरिया कवर्ड है ये। अब इसमें जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है स्टफिंग इसमें ऐड करना है, किसी भी एक साइड से। एक साइड हमको जो है खाली रखना है, ये जो है 1.5 चम्मच ये ऐड कर लेंगे।
अब दूसरा सेक्शन लेके इसके ऊपर फिल करके ये हमको प्रेस कर लेना है अच्छे से, ताकि ये जो कॉर्नर कॉर्नर है वो चिपक जाए, और जो ये एक्स्ट्रा जो है उसको हमको यहाँ से अच्छे से रिमूव कर लेना है। अब यहाँ से एक साइड से हमको बिल्कुल ये निकाल लेना है। साँचे पे ध्यान रहे कि सबसे फर्स्ट टाइम बनाया तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ताकि ये बिल्कुल चिपके ना और दूसरे एरिया से यह ले लें। इसको हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करके 4 से 5 गुछिया बना लिए हैं। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्नर एरिया जो है पंच अच्छे से करना है, ताकि ये जो फीलिंग जो है जब ऑयल पे डालें हम बाहर ना आए। ये चेक कर लिया मैंने, कढ़ाई पे ऑयल गर्म हो गया है। अब ये बिल्कुल साइड से केयरफुली जो है गुछिया डालते जाना है और ये सेकते जाना है। ऑयल हमारा ज्यादा गर्म हो गया है तो इसको तुरंत तुरंत हम पलटते जाएंगे, वन बाय वन हम सेकते जाएंगे। ये हमारा जो गुजिया सिक गया है, बिल्कुल दोनों तरफ जो है प्रॉपर ब्राउन कलर तक आने तक सेकना है, वरना कच्चा ना रहे वो। और ये प्लेट पे निकाल देना है। मैंने टिश्यू लगा के रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस पे आ जाए। सेम प्रोसेस रिपीट करके हम लोग और गुजिया जो है बाकी तल लेंगे। ये देखिए हमारा गुजिया बिल्कुल रेडी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसका हम लोग स्टफिंग सेक्शन भी चेक कर लेते हैं। वाओ, ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये ठंडा होगा तो ये और अच्छे से प्रॉपर जो है सारा एरिया कवर कर लेगा। तो आप लोग इस दिवाली से जरूर ट्राई कीजिए और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।